अभी हम इस वक्त चाटा गांव में मौजूद है और आपको बता दें, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, आज बारिश हुई और आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त ये जो रोड है पूरी तरह से बंद हो चुका है। पीछे आपको बता दें, पीछे जो गाड़ियों की लाइनें हैं वो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, रोड पूरी तरह से बंद हो चुका है। जिसने आगे जाना होगा वो नहीं जा सकता है और जो पीछे की तरफ गाड़ियां हैं वो भी रुकी हुई हैं पूरी तरह से। रोड जो है ये भी दिख रहा होगा और कुछ बीच में पत्थर वगैरह और भी गिरे हैं और सिर्फ जो स्कूटी मोटरसाइकिल है वो निकल सकता है इस रोड से। पूरी तरह से जो रोड है वो पूरी तरह से बंद है। ये रास्ता इतना ख़राब है, हम आगे इतना जा नहीं सके। वहाँ पर आगे काफ़ी लोग भी जमा हुए और काफ़ी गाड़ियाँ जमा हुई है। किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने किसी काम से जाना है। जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा सकती है आगे की तरफ। आपको बता दें, हालांकि इस रोड का जो काम है वो काम चल रहा है, लेकिन बरसात में जब बरसात बारिश होती है तब काम रुक जाता है, क्योंकि काम तो फ़िलहाल ऊपर काफ़ी काम हुआ है। यहाँ पर जो ड्रेन है वो भी बनी है और भी काम यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त की आपको बता दें कि लगभग एक घंटा हो गया ये रोड पूरी तरह से बंद है। हालांकि अभी तक कोई भी जो जेसीबी है वो नहीं पहुंची है। लोग ऊपर काफ़ी जमा हुए हैं, अपने अपने काम के लिए जाना है। तस्वीरें यहां से ब्लॉक है और भी थोड़ा सा आगे जो रास्ता है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। हालांकि इस रोड का जो है टेंडर हो चुका है, काम लगा हुआ है, काम लगातार यहाँ पर स्टार्ट है, लेकिन काम बरसात जब बारिश होती है तो काम रुक जाता है बारिश के कारण, इसलिए ताकि जो मटेरियल हो वो ख़राब ना हो। लेकिन लगभग एक घंटा हो गया है यहाँ पर, अभी तक रोड पूरी तरह से जो बंद है।